अक्सर जो जनरली घर में तकिए होते हैं, हम उसके ऊपर सर भी रखते हैं, सोते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है उस पर पैर भी रखते हैं। तो ऐसे में उस पर कुरान पाक रख के पढ़ सकते हैं या नहीं? पैर रखने की उसके अंदर दो सूरतें होती हैं। एक तो ये होता है कोई सामान उतारने के लिए उस पर खड़े होकर उसको एक तरीके से हाइट बढ़ाने के लिए उस पर पैर रख के खड़ा हुआ जाए, और एक ये होता है कि उसको पैर के नीचे वाले हिस्से में रखा जाता है, तलवे में नहीं रखा जाता, बल्कि जैसे पैर के नीचे, ये क्या पिंडली बोलते हैं ना, पिंडली के नीचे तकिए को रखा जाता है, नहीं तकिया रख के इस तरह से उसके ऊपर पैर रखे जाते हैं। ये तकिया हो गया और ये इस तरह से उस पर पैर रखे जाएंगे। तो कभी कभी इस तरह भी पैर रख लिए जाते हैं आराम के लिए, दोनों पैरों को थोड़ा ऊंचा करने के लिए, तो इसको भी पैर रखना कहते हैं। तो इस तरह तकिए के ऊपर अगर है तो उस पर कुरान पाक पढ़ने में खराबी नहीं है, क्योंकि कुरान पाक से पहले तकिए को झाड़ लिया जाए, बाकी अगर तकिया पाक है तो पढ़ सकते हैं। कुरान पाक के लिए खास मखसूस कर लेना चाहिए या तो एक तकिए को, या फिर ऐसी रहल को, या किसी ऐसे सामान को कि जिसको पैर वगैरह से बचाया जाए। अलबत्ता कुरान पढ़ेंगे ऐसे तकिए पे तो पढ़ सकते हैं। अब अपनी कजा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान, विजिट करें qazacalculator.smsfarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम कजा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें।